गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अमित कपूर है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं लोक प्रशासन, क्योंकि तो समान रूप से यूपीएससी और यूपीपीसीएस बीपीएससी हरियाणा सबके लिए उपयोगी है। और जो लोग आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेस, तो इनके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। कौन कौन जुड़ गया है आज हम लोग बात करने वाले हैं टेलर के बारे में। थोड़ा बात करेंगे, शुरू करेंगे जो कल का रह गया है, एनपीएम या पोस्ट एनपीएम की हम लोग बात कर लेंगे कि किस तरह से एनपीएम में विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया है। और फिर इसके बाद में जो पोस्ट एनपीएम आता है 90s के बाद में, फिर उसमें कैसे उसका जो है फिर से सेंट्रलाइजेशन हो जाता है और क्यों होता है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पे आज चर्चा करेंगे और इसके क्वेश्चन किस तरह से आएंगे उस पे भी बात कर लेंगे। तो बहुत चीजें आपको हो जाएंगी यहाँ पे, थोड़ी तो क्लास जो है लंबी चलेगी, तो जो लोग हैं वो आए। हाँ, थोड़ी क्लास जो है लंबी चलेगी। मैंने देखो शेयर भी नहीं किए, कर देता हूँ थोड़ा सा एक बार। तो तो इस क्लास को जो है आप लोग ध्यान से देखेंगे। एनपीएम ठीक है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, आज हम लोग जो कल के मुद्दे कुछ छूट गए, शुरू करने से पहले बात हो जाए सब्सक्राइब करने के बारे में। तो यूपीएससी सीएससी हिंदी ऑप्शनल हम लोग कर रहे हैं और इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं लोक प्रशासन के बारे में। कह सकते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड का, मुझे तो लगता है पूरे विश्व का जो है ये सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है अभी तक का, और ऐसे जो हमने प्लेटफॉर्म देखे नहीं है। लेकिन चलो, हाँ, तो ये जो लोग सब्सक्राइब करेंगे उनको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, मेरी तो सारी क्लासेस आपको मिलेंगी ही और मैं आपको पर्सनल गाइड भी करूँगा। दूसरी बात है, आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव टेस्ट, क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस और अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारा कुछ आपको मिलना लगेगा यहाँ पे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस का मतलब होता है कि आपको यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो है जो सिलेबस डिफाइन किया गया उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या मिलेगा, कोर्सेस यहाँ पे मिलने लग जाते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मतलब नए और पुराने वीडियो सबका आप एक्सेस कर सकते हैं। एक बार अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो क्या कर सकते हैं, आप पूरे जो वीडियोज हैं सबके आप सब्सक्राइब देख सकते हैं वीडियो। तो यहाँ पे जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे अनअकेडमी के जो ऐप है उससे जुड़ना चाहते हैं उस पर, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, यहाँ से मेरी क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, मेरा नाम सर्च करेंगे, मेरा नाम अमित कपूर है, मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, यूपी पीसीएस मेंस यूपीएससी में अपियर हुआ हूँ। लोक प्रशासन हम लोग कर रहे हैं ऑप्शन सब्जेक्ट, पीएसआईआर भी हम शुरू करेंगे कुछ दिन बाद में। ठीक है, तो जो लोग हैं वो पीएसआईआर भी कर सकते हैं। अनअकैडमी _ अमित कपूर, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। और 60% से अधिक पोर्शन में कवर करने वाला हूँ, तो कहीं जाने की बहुत ज्यादा परेशानी नहीं, जहमत नहीं उठानी पड़ेगी आपको। क्या क्या मैं कराने वाला एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको कि कितना ब्रॉड एरिया मैं कवर कर रहा हूँ यूपीएससी का। टॉप मोस्ट फैकल्टीज जो है उनके कोर्सेस आपको मिलेंगे, इनका भी इनका जो है कोर्सेस सर्च कर सकते हैं, साथ में मेरा भी, जितना भी मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ जो है आपको विद क्वेश्चन जो है वो सब मिलता रहेगा। 15,000 से अधिक कोर्सेस आपको मिलेंगे अगर एक बार सब्सक्राइब करते हैं। इसका थोड़ा सा गणित समझ लो, जीएस और ऑप्शनल कॉम्बो है। 31 दिसंबर तक मैंने इसमें कुछ छूट दे रखी है और अनअकैडमिक तरफ से भी बम्पर छूट है एकदम से यहाँ। इसमें क्या खास बात है, इसमें जो है आपको 77,000 फीस है इसकी, कॉम्बो में मतलब जीएस और ऑप्शनल,
इसमें डिस्काउंट है 9% का, 70,000 फीस हो जा रही है आपकी। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 10% इसमें मेरा कोड यूज करेंगे AMR10, तो अब आपको 10% छूट मिल गई इस पे। अब इसकी आप देख रहे हैं फीस कितनी हो गई, लगभग 63,000, और इसी 77,000 पे मैंने फिर जो है क्या किया, फिर आपको 10% का रिफंड कर दिया। तो 10% का जब रिफंड कर दिया मैंने आपको इसी पे, तो लगभग आपकी 55-56 हजार में जो है, 54 हजार में, सॉरी हाँ 55 हजार में आपको कॉम्बो मिल जा रहा है GS प्लस ऑप्शनल। इसी वजह से मैंने इसको 29% लिख रखा है कि आपको अगर 1 ईयर लेना है तो 29% जो है आपको यहाँ पे मिल, 29% जो आपको छूट मिल रही है कॉम्बो में 1 साल के लिए। उसी तरह से 31% है, 11% तो आपको अनगिनती की तरफ से मिल जाएगा। दूसरा क्या है, हम यहाँ पे मेरा कोड यूज करेंगे जो कि AMR10 है। कोड क्या है एक बार देख लो, कोड है AMR10, AMR10 कैपिटल में है सारा। इसको यूज करेंगे तो 10% आपको यहां से क्या है, डिस्काउंट मिल गया। और इसके बाद में मैं भी इस पे जो है 10% आपको जो एक्चुअल फीस है उस पे रिफंड कर दूंगा, ठीक है, उस पे रिफंड कर दूंगा। तो आपका लगभग कितना हो गया, 31% डिस्काउंट मिल रहा है। ये अभी तक का है, 10% जो मैं रिफंड कर रहा हूँ एक्चुअल फीस पे, वो दिसंबर, 31 दिसंबर के बाद में नहीं मिलेगा। बस क्या है, आपको हो सकता है अनअकैडमी भी यहाँ से अपने हाथ खींच ले, बस आपको 10% ही डिस्काउंट मिलेगा, जो कि मिलता है हमेशा की तरह। जब मेरा कोड यूज करेंगे, जब मेरा कोड यूज करेंगे हमेशा डिस्काउंट मिलता है, वो मिलता रहेगा। लेकिन 10% जो मैं रिफंड करने वाला हिसाब है, और जो यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से मिल रहा है 11%, वो हो सकता है आपको नहीं मिले। तो आप क्या करेंगे, फटाफट इसको करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, मेरे सारे कोर्सेज मिलते रहेंगे, टॉप मोस्ट फैकल्टीज के सारे कोर्सेज मिलते रहेंगे। ये देख लो एक बार, प्लस प्लस में क्या है, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी, और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिल जाएगा। मतलब प्लस आप जैसे सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या है, आपको पूरा स्टडी प्लान बना के दे दिया जाएगा कि हाँ आप इस तरह से क्लासेस चलेंगे। तो इसके बाद में आप देखो यहाँ पे क्या फीस किसकी है, 59 फीस है इसकी। मेरा कोड यूज करेंगे 10% आपको सीधे सीधे यहाँ पे मिल जा रहा है, और इसका मतलब ये 44,550 हो गया। और फिर इसी जो एक्चुअल फीस है, इसमें मैं अभी आपको 12% का रिफंड कर रहा हूँ इस समय, जीएस प्लस की बात में कर रहा हूँ। तो 12% का रिफंड कर रहा हूँ मैं अभी इस टाइम 31 दिसंबर तक, और ये 10% आपको डिस्काउंट मिल ही रहा है। तो आप क्या करेंगे, तुरंत जो है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप छूट ले सकते हैं। तो लगभग 22% आपको छूट मिल रही है। बोलू मोरे, नमस्कार, जुड़े हुए हैं अभी शबनम, गुड इवनिंग, और मानसी भी जुड़े हैं, गुड इवनिंग मानसी, सब लोगों को गुड इवनिंग। जो लोग जुड़ रहे हैं मैं थोड़ा सा बता लेता हूँ, फिर आप लोगों से 1 सेकेंड हम लोग रूबरू होंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 साल का है, 2 साल का भी 72,000, 64,000 अगर मेरा कोड यूज कर लेंगे, और इसी 72,000 पे मैं 12% आपको छूट दे दूंगा, तो 2 साल के लिए भी लगभग 68,000 में आपको मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इस तरह से देखेंगे। और सारे मुद्दे आइकॉनिक, मैं हमेशा से बेस्ट बोलता हूँ कि पर्सनल कोच के साथ में डेली क्वेश्चन, मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग आपकी कराएगी, मतलब बिल्कुल आप मेंस जैसा फील करने लगे कि हम एक्चुअल में जो है आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लगता लगता है कि हम आईएएस की तरह। आप किसी से बातचीत भी नहीं करना पसंद करेंगे फिर, कि नहीं हम आईएएस पढ़ रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा फील होने लगता है जब आप आइकॉनिक को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा आपको ये सब कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने लग जाएंगे। इसके बाद में कोड मेरा याद रखेंगे AMR10, उसी प्रकार से 69 इसकी फीस है आइकॉनिक की, मेरा कोड यूज करेंगे तो 10% इसकी छूट मिलने के बाद में 62,550 हो जाएगा। और इसी पे मैं आपको 12% अभी 31 दिसंबर तक रिफंड कर रहा हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो क्या करेंगे, तुरंत जो है 12% मुझसे रिफंड ले लेंगे, जैसे एडमिशन हो जा रहा है आपका, ठीक है, अपने वॉलेट में ले लेंगे और हम आपको वापस कर देंगे तुरंत, ठीक है। तो 10% डिस्काउंट वहां से, और 12% मुझसे रिफंड लेंगे आप। रिफंड लेने के बाद में आपकी फीस बहुत कम हो जा रही है, आइकॉनिक जो कि बेस्ट है, आपको लगभग लगभग जो है वो लगभग 55-55 में और 54 में मिल जा रहा है आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार से ये भी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है, इसको भी आप कर सकते हो। AMR10 है, 27,550 है इसकी फीस जो है ये, और मेरा कोड यूज करेंगे तो 24,750 है। अब जब कोड यूज करेंगे तो इतनी कम हो जाएगी 24,000, और इसके बाद में 12% में रिफंड कर दूंगा, तो 19,000 में आपको क्या है ये मिल जा रहा है ऑप्शनल सब्जेक्ट। लेकिन ये 31 दिसंबर तक ही है, जो लोग इंटरेस्टेड हो ऐसा करेंगे। इनरोल होते रहिए आप लोग, यहाँ पे कॉम्बैट है, 60 क्वेश्चन जो है वो 45 मिनट, यहाँ पे क्या है 3 जनवरी को ये स्टार्ट हो रहा है,
3 जनवरी को फिर से है, मतलब अभी एक हो चुका है, 2-3 हो चुके हैं यहाँ पे। 27 तारीख को प्रस्तावित है पीटी, उसके लिए बहुत ही अच्छे बैच कल से स्टार्ट होने वाले हैं। सब में आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं AMR AMR10, ठीक है। और सब में वही प्रोसेस है, 10% आपको मेरा कोड यूज करते वक्त, और 10% जैसे एडमिशन ले लेंगे तो आपको मैं 12% यहाँ से रिफंड कर दूंगा आपको। तो 6 महीने का कोर्स इसमें भी है, पीटी के लिए 2 बैचेस चलाए जा रहे हैं कल से है ये, अनलिमिटेड अल्टीमेट और मिशन, अल्टीमेट और मिशन ये चलाए जा रहे हैं। तो आप लोग फटाफट क्या करेंगे, और बैचेज है हिंदी मीडियम के भी हैं यहाँ पे, 1 साल है लक्ष्य, 6 महीने का, 1 साल का और 2 साल का चलाए जा रहे हैं, इंग्लिश के भी है, सब में हमारा कोड यूज कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं, ठीक है। 22% आइकॉनिक प्राइस जो है हाइक होने वाले हैं, तो आप लोग क्या करेंगे भाई, आइकॉनिक प्राइस जो हाइक होने वाले हैं फटाफट ले लीजिए अभी, बहुत ज्यादा फायदा दे रहा हूं मैं, 10% का डिस्काउंट और 12% का रिफंड कर रहा हूँ, ठीक है। चलो जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारी स्पेशल क्लास से जुड़ सकते हैं, हम डेली क्लासेस ले रहे हैं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। अब देख लो मैं क्या क्या कराने वाला हूँ, जो लोग परेशान ना हो, बहुत ज्यादा परेशान नहीं हूँ, 11 बजे मैं डेली यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ हिस्ट्री की, यूट्यूब पे आर्ट एंड कल्चर मैंने बोला हुआ कि मैं फरवरी लास्ट में करवाऊंगा, ठीक है। पॉलिटी गवर्नेंस हम 4 बजे से ही करवाऊंगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे एनसीईआरटी एमसीक्यू करा रहा हूँ पॉलिटी की, तो 4 बजे यहाँ पे क्लास चलेगी हमारी। इंटरनेशनल जो आईआर है इसको हम कराएंगे लास्ट में, फरवरी क्लास में। एथिक्स जो है वो 7 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत ज्यादा पोर्शन मैं करवाने वाला हूँ। और मैंने ये भी बोल रखा हुआ है कि भाई मैं समरी भी करवा दूंगा आपको इकोनॉमी की, इकोनॉमी समरी जो समरी है रमेश सिंह की, उनको उसको भी मैं करवा दूंगा एग्जाम के पहले, लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले, तो बहुत परेशान होना नहीं है आपको, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन मैं करवाने वाला हूँ, जो लोग इंटरेस्टेड है वो क्या करेंगे, फटाफट मेरा कोड याद रखेंगे AMR10 है, और 10% की डिस्काउंट और 12% का रिफंड मुझसे ले सकते हैं। चलो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं फटाफट, आज हम लोग बात करेंगे, कुछ छूट गया था यहाँ पे, हमने बात की हुई थी नवलोक प्रबंधन, ठीक है। ये जो है नवलोक प्रबंधन पे हम लोग बात कर रहे थे, कुछ इसमें क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और वो देखेंगे, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। तो लास्ट में बिल्कुल चलते हैं, हमने पूरा एकदम कर लिया, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। जो लोग भी एडमिशन सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो लोग नहीं भी कर रहे हैं, सबको हम पीडीएफ आपको ये सारी मिल जाएगी, बहुत अच्छी पीडीएफ आप देखेंगे। मैं एक बार बस समराइज कर लेता हूँ इसको, पढ़ लो, इसके बाद में हम लोग, ठीक है। हमने यहाँ पे बात करनी थी इसकी, तो हमने पूरी चर्चा ही कर ली हुई है, पूरी चर्चा हमने इसकी कर ली हुई है, तो आप लोग बहुत ज्यादा क्या है, इसकी हमने पूरी चर्चा कर ली हुई थी, इसके हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, डिस्कोर्स फील्ड एनर्जी ग्रिड मॉडल की हमने बात कर ली हुई है, हाँ ठीक है। और इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप परेशान नहीं होना, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और ऐसा लिख देंगे जाके तो आपको एग्जामिनर उधर बहुत बढ़िया मार्क्स दे देगा। लो हमने इसकी बात की हुई है, निजी प्रशासन सारी सारी हमने बातें कर ली हुई है यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी आलोचना देख रहे थे कि आलोचना जो है वो कैसे की गई है, उसकी आलोचना भी हमने कर ली हुई थी, हाँ, और कहाँ से इसका उदय हुआ है, तो हमने सारी चीजें देख ली हुई थी ना, हाँ, कहाँ से शुरू हुआ था, नव दक्षिण पंथी जो यहाँ से शुरू होता है, ये विचारधारा जो है 80 के दशक में इसका प्रभाव बढ़ता है, लोक चयन उपागम यहाँ पे, और नवीन उदारवादी विचारधारा का सब उदय होता है, सूचना क्रांति की शुरुआत होती है, इसके बाद में सोवियत संघ या फिर सिराक्यूज यूनिवर्सिटी, नव टेलर बाग, ब्लैक्सबर्ग मैनिफेस्टो, पब्लिक पब्लिक जो है वो बैड और प्राइवेट गुड की हमने बात की हुई थी। तो ऐसे हल्लों से निकल के आया हुआ था क्या एनपीएम, और शुरुआत कहाँ से हुई है, शुरुआत जो है हुई कहाँ से हुई है, अमेरिका और इंग्लैंड से, यूके से हुई थी, तो वहां पे रीगन और थैचर के द्वारा ये सुधार किए गए थे, तो वहीं से एनपीएम निकल के आता है, और उस पर हमने सारी चर्चा आपसे कर ली हुई थी। इसके बाद में चाइना का भी संविधान चेंज किया जाता है, उसमें समन्वय स्थापित किया जाता है, क्या क्या किया जाता है, बाजार और सामाजिक अर्थव्यवस्था को जो है वहां पे एक साथ लाने की बात की हुई थी, ठीक है। सचिन शर्मा नमस्कार, कैसे हो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की हुई थी, और क्यूबा भी और दक्षिण अमेरिका कई देश जो है वो कैसे समाजवादी हमारे चेंज हो गई थी, वहां पर बाजारवाद जो है वो हावी होने लग गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो राज्य का आकार है वो छोटा हो जाता है, और एमपीएम अपनी भूमिका बढ़ाने लगता है, हमने ये देखा हुआ है, हमने ये चीजें समझे हुई थी कि वहां पे राज्य का जो आकार है वो छोटा होने लगता है, और एमपीएम अपना आकार इस तरह से बढ़ाने लगता है, ठीक है। इस पे भी हमने बातें कर ली हुई थी कि एमपीएम की संकल्पना कैसे होनी चाहिए,
किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो इस पे भी हमने चर्चा की हुई थी। किस तरह की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये सारी गवर्नमेंट होनी चाहिए, सारे जो लक्षण होने चाहिए अगर एनपीएम आपको सही से समझना है, तो इसको सबको क्या है ध्यान से देखना पड़ेगा। इस पे हमने चर्चा कर ली हुई थी, संकल्पना कैसी होनी चाहिए। इसके बाद हमने एक एक करके डिफाइन भी कर लिया हुआ था कि कैसे 50 और 60 और 70s के दशक में किस तरह का परंपरागत लोक प्रबंधन था, फिर चेंज होके 90s में इसमें क्या बदलाव आते हैं, इस पे भी हमने बात कर ली हुई थी, कल बात की हुई थी। एक मैं फ्लो बना रहा हूँ, ठीक है, इस पे भी हमने बात की हुई थी। हमने सारी बातें की हुई थी कि टॉप डाउन की जगह का है, अब बॉटम अप की बात हो रही है, मतलब आप समुदाय बना के समुदाय के अंदर ही अंदर क्या करना है, सुधार करना है, योजनाएं चलानी है। मतलब आप केंद्र से कोई योजना ना बना के ले आइए, नीचे तक आते आते क्या उसका जो है प्रभाव खत्म हो जाता था। तो अब क्या किया गया था यहाँ पे कि समुदाय की भागीदारी को खूब बढ़ाया गया था और समुदाय में ही प्रशासन को महत्व दिया गया था, और वहीं पे सारी चीजें हो रही थी, बांटी जा रही थी चीजें, डिवाइड की जा रही थी, अर्थात विकेंद्रीकरण भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। केंद्र की जो सत्ता थी वो कैसी हो रही थी, कम हो जा रही थी। मतलब अब जो नीतियां बन रही थी वो कहाँ बन रही थी, यहीं पे बन रही थी स्थानीय स्तर पर, और यहीं पे क्या आपस में क्षैतिज रूप में बांटी जा रही थी हर एक जगह, तो सबको क्या लाभ मिल रहा था। अब अगर केंद्र से कोई चीज आ रही थी तो क्या है वो आते 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 क्या होता था, कहा जाता था कि टॉप डाउन की जगह अब बॉटम अप हो गया था। टॉप डाउन में पहले क्या होता था कि नीचे नीचे आते आते क्या है लोगों के मन में सोचता, अरे पैसा आ रहा है, पैसा अगर आ रहा है तो क्या था यहाँ पे, पैसा आ रहा धीरे धीरे आते आते क्या है खत्म हो जाता था। तो अब यहाँ पे ये सारे चेंज किए गए थे, तो हमने इस पे भी चर्चा कर ली हुई थी, कल जो है चर्चा की हुई थी। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे, यहां तक बात की हुई थी कि परंपरागत लोक प्रशासन जो है वो कैसा है, प्रक्रिया उन्मुखी है, जबकि लोक नवीन लोक प्रबंधन प्रक्रियाओं को सरल बनाने, नियम विनियमन को सुधारने और कम करने पर बल देता है। बोलता है कि नियम कानून हमें ज्यादा मत सिखाओ, क्या बोलता है नवीन लोक प्रबंधन, बोलता है कि नियम कानून हमें ज्यादा मत सिखाओ, हम क्या है हम अपना सुधार कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो परंपरागत लोक प्रबंधन था यहाँ पे, प्रबंधन वो कैसा था, प्रक्रियाओं एवं जटिलताओं से उलझा हुआ था, लेकिन नवीन लोक प्रबंधन आता है बोलता नहीं हमें कोई प्रक्रिया नहीं चाहिए, हमें आपके जो है नियम विनियम नहीं चाहिए, हम जो है सुधार कर सकते हैं, तो बोलता है इनको कम करिए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही थी देखने को। अब हम यहाँ पे आते हैं, ग्राहक उन्मुखी सरकार होती क्या है, मेन फोकस पे करेंगे। ऐसी सरकार जो ई गवर्नेंस पे ध्यान दे, ऐसी सरकार जो यूजर पे बेसिस पे काम करे, मतलब पे के आधार पर क्वालिटी, अगर आपने 100 रुपए दिए हुए तो क्या है आपको ज्यादा अच्छी चीज मिलेगी, और इसके बाद में अगर आपने 150 दे दिए तो उससे भी अच्छी चीज मिलेगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ग्राहक उन्मुखी सरकार वैसी होती है जो क्या है ई गवर्नेंस पे आधारित हो, दूसरा क्या यूजर पे बेसिस मतलब पे के आधार पर आपको गुणवत्ता मुहैया कराए, और दूसरा क्या है वैल्यू फॉर द मनी मतलब फीडबैक के आधार पर सुधार, यहाँ पे क्या जैसा कि फीडबैक आ रहा है उसी के आधार पर सुधार किया जाएगा, और इसके बाद में क्या आकांक्षाओं के अनुरूप सेवाएं जैसा आपने सोचा हुआ है। तो वैल्यू फॉर द मनी और यूजर पे बेसिस दोनों अलग अलग उदाहरण है, तो यहाँ पे ग्राहक उन्मुखी सरकार की बात की जा रही है, तो इस तरह की सरकार को हम लोग बोलते हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे कि इसकी जो है आलोचना कैसे हुई है, इसका परीक्षण करने वाले हैं हम लोग, और फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि जो एनपीएम है एनपीएम को किस तरह से नकारा गया है, इसके बाद में न्यू एनपीएम आता है, या आप कर सकते हैं कि नियो आता है, नियो एनपीएम किस तरह से इसको थोड़ा सा धूमिल करने की बात करता है कि एनपीएम जो है अभी कारगर नहीं हुआ है, उसकी जगह क्या आना चाहिए नियो एनपीएम आना चाहिए। तो इसकी आधार पे इसकी आलोचना भी एक ध्यान से सुनना, क्योंकि आप फिर ऐसे कोई आपको बताएगा भी नहीं। देखो यहाँ कह रहा है कि आलोचनात्मक परीक्षण कैसे करना है हमको, देख लो एक बार, कह रहा कि नवीन लोक प्रबंधन जितना जोरदार तरीके से आया उसने बाजारी शक्तियों की भूमिका को जितना तेज किया था उससे विकसित राष्ट्रों में लाभ अधिक हुआ, भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में लाभ नहीं हुआ। सबसे पहली आलोचना यहीं से हम लोग शुरू करेंगे कि जो बाजारी शक्तियों की भूमिका जितनी ज्यादा तेज हुई तो वहां पे विकसित राष्ट्रों को फायदा ज्यादा मिला और विकासशील राष्ट्रों को कोई फायदा नहीं मिला, भारत जैसे क्यों नहीं मिला, आपके दिमाग में थोड़ा सा आ रहा होगा कि क्यों नहीं ऐसा हुआ। अभी तो हम कल बोल रहे थे कि हाँ हुआ है, खूब फायदा हुआ है, लेकिन क्यों नहीं हुआ इसकी आलोचना देखो, इसके कई कारण है। कह रहा है कि नवीन लोक प्रबंधन में जिन बातों पर बल दिया गया है उसके लिए प्रबंधकों या प्रशासकों को
स्वायत्तता देने की बात है, किंतु भारत में प्रशासन पर राजनीतिक हस्तक्षेप अधिक देखने को मिलता है। हमने देखा हुआ ना किस तरह से अधिक यहाँ पे हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है। दूसरा हमने बात कहा हुआ था यहाँ पे कि एमपीएम जो है वो बाजार की भूमिका को बढ़ावा देता है और सरकार के आकार को कम या सही करने पर सुझाव देता है, ठीक है। तो इसकी हमने बात की हुई थी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस या नैतिकता का अभाव यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो है बोलता है कि इसकी आलोचना हम कई आधारों पर एमपीएम की कर सकते हैं। और इसी अगली कड़ी में हम देखेंगे कि जो एमपीएम है जो क्या है नवीन लोक प्रबंधन है उसको सफल बनाने के लिए विशेषज्ञता युक्त नौकरशाही की अपेक्षा है, जिसका अभाव भारत जैसे विकासशील देशों में राष्ट्रों में देखने को मिलता है। लेकिन विकसित देशों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। वहां पे क्या है नौकरशाही परिपक्व है, कैसी है, मेच्योर है एकदम से, ठीक है। तो यहाँ पे भारत में इस वजह से ये कारगर नहीं सिद्ध हुआ, भारत जैसे विकासशील देशों में कारगर सिद्ध नहीं हुआ। तो हमारे दो तीन मुद्दे हो गए ना कि किस वजह से नहीं हुआ, तो नौकरशाही अच्छी नहीं है। दूसरा यहाँ पे हमने क्या देखा हुआ था, दूसरा हमने यहाँ देखा हुआ था क्या कि सरकार का जो है हस्तक्षेप ज्यादा है प्रशासन पे, इस वजह से ये कारगर सिद्ध नहीं हुआ। और तीसरा हम देख रहे हैं कि प्रबंधन को सफल बनाने के लिए प्रशासन में नागरिक सामुदायिक भागीदारी अति आवश्यक है। मान लो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ऐसा होता है ना कई बार विरोध क्यों किया जाता है, क्योंकि उसमें जो नागरिक जो भागीदारी होती है वो होती नहीं है। आपने कोई नियम कानून, अभी देखो अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पे, जैसा कि आ, आ, किसान आंदोलन चल रहा है, इसकी बात हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत पेचीदा मुद्दा है। अगर यहां से एग्जाम्पल लें तो जो अगर इनसे राय लेके अगर किया जाता कि ठीक है हम आपके लिए कोई किसान कानून बना रहे हैं, इसमें संशोधन कर रहे हैं, तो आप मुझे सुझाव दीजिए। अब अगर ये किसान संगठनों से सुझाव मांगते तो कुछ ना कुछ क्या है किसान संगठन आते, तो यहाँ पे क्या होता, वही बात है कि अगर एनपीएम को सही तरीके से लागू करना है तो नागरिक सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। क्यों, क्योंकि भाई आप जिनके लिए काम कर रहे हो, जिसके लिए नियम कानून बना रहे, उससे नहीं पूछ रहे हो। तो यहाँ पे इसी वजह से ये सफल नहीं हो सका। अगर इसको सफल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, नागरिक सामुदायिक भागीदारी अति आवश्यक है। लेकिन भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में क्या है इसका अभाव देखने को साफ साफ मिलता है। और यही आप कारण कह सकते हैं, थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो अभी हंगामा बरपा हुआ है ये आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी देखो फिर से बुलाया गया है 29-30 तारीख को फिर से बुलाया गया बातचीत करने के लिए, ठीक है। तो भाई पहले से ही बातचीत कर लो, जिसकी वजह से क्या नवीन लोक प्रबंधन सफल हो जाए। तो यहाँ पे इसका असफलता का जो कारण है ये भी है कि नागरिक सामुदायिक भागीदारी बहुत कम देखने को मिलती है भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में। अगला पॉइंट देखते हैं, कहता एनपीएम जो है पाश्चात्य संकल्पना है और भारत जैसे राष्ट्र में या अन्य समाजवादी संस्कृति में सफल हो पाएगा ऐसा पूर्णतः जो है नहीं कहा जा सकता है। इस पे भी हमने बात की हुई थी, ठीक है। तो ये सारी मुद्दे पे हमने बात कर ली हुई थी कि जो है सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पे अभी डाउट है बहुत ज्यादा। अब हम बात करते हैं कि एनपीएम की आलोचना और किस आधार पर की गई है और उसमें क्या क्या मुद्दे आए हुए हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं आज, ठीक है। देखो दोस्त, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि किस वजह से जो है एनपीएम की हम आलोचना कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं आलोचना। चलो अब हम बात करते हैं यहां पर एनपीएम नियो न्यू नियो पोस्ट एनपीएम। अब यहां पे देखो किस तरह से ये जो है इसकी आलोचना करता है, आलोचना नहीं कर रहा ये, आलोचना नहीं देखो सुधार बोल रहा है, सुधार करता है, सुधार किस तरह से करता है, इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता पड़ रही है, इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब देखो इसको डिवाइड किया हमने कि किस तरह से एनपीएम कैसा है, अर्ली 90s मतलब 90 के पहले का रोल बैक ऑफ स्टेट, यहाँ पे क्या है जो स्टेट की भूमिका है उसको क्या है वापस, मतलब जो अति राज्यवाद है उसको कम किया गया था। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, एनपीएम की, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में। आपने पढ़ा हुआ, आपने पढ़ाया हुआ है, कब आया हुआ है, अर्ली 90s में आया हुआ। रोल बैक ऑफ स्टेट मतलब जो राज्य की भूमिका है उसको क्या किया गया है, कम किया गया है, रोल बैक ऑफ स्टेट। इसके बाद में इसको करते करते इसमें क्या क्या किया गया था, विकेंद्रीकरण किया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था, इसके बाद में मल्टी हेडेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो मल्टी हेडेड ऑर्गेनाइजेशन से इनकी क्या है, इनकी भूमिका रही थी। इसके बाद में क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट, हमने बताया था ना आपको, रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधन प्रबंधन पर इसमें बल दिया गया था। तो
तो यहाँ पे रोल बैक ऑफ स्टेट का मतलब आप समझ गए, रोल बैक स्टेट मतलब अति राज्यवाद की भूमिका थी उसको कम किया गया हुआ था, मतलब राज्यवाद की भूमिका को कम किया गया था, और वो कम करते करते क्या किया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन हमने देखा हुआ था, विकेंद्रीकरण, मल्टी हेडेड ऑर्गेनाइजेशन की भूमिका ये भी हमने देखी हुई थी यहाँ पे, और रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब संसाधन प्रबंधन हमने देखा हुआ था, और क्या किया था हमने, मैग्निफिकेशन ऑफ मार्केट फोर्सेस, मार्केट को जो है महत्व को हमने देखा हुआ था कि मार्केट का महत्व जो है वो बढ़ गया था या हमने उस पर जोर दिया गया, तो मैग्निफिकेशन ऑफ क्या है यहाँ पे मार्केट फोर्सेस, और कस्टमर ओरिएंटेड हमने क्या किया था, ग्राहक उन्मुखी, ये सारी चीजें किसमें हुई थी, एनपीएम में हुई है, और इसमें हमने 3 E's पर ध्यान दिया था कि एफिशिएंसी, इकोनॉमी और इफेक्टिवनेस पे हमने बात की हुई थी, ठीक है, इफेक्टिव तीनों ई पे हमने बात की थी। अब ये बोलता है कि ये थोड़ा कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है, क्या है अब क्या आ गया इसके आगे, कह रहा है न्यू एनपीएम आता है, एक न्यू एनपीएम अवधारणा आती है, पोस्ट एनपीएम आती है, बोलता है ये सही नहीं है, क्या बोलता है, कह रहा सही नहीं है भाई, क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, इसमें भी बोला सुधार करिए, ये बोलता आके इससे कि आप जो है सही नहीं है अभी, ये इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो सुधार की आवश्यकता है तो फिर अब ये क्या करेगा, देखो ये क्या करेगा एक बार फटाफट देख लो क्या करेगा, ये कब आया है, लेटर 90 के बाद में, इसमें क्या है रेगुलेटरी गवर्नेंस मतलब ट्राई सेबी और इरदा की भूमिका जो है वो साफ साफ दिखेगी, किसके लिए, कि ग्राहकों की संतुष्टि के लिए, ग्राहकों की संतुष्टि के लिए, भाई अगर आप कोई दिक्कत आ रही, मान लो ट्राई आपका फोन नहीं लग रहा है, आप कुछ कुछ चीजें क्या है ये कैसे हैं, सारे नियामक प्राधिकरण, सेबी कैसा है बाजार नियामक है, इरदा क्या है, ये इरदा क्या है, ये जो है बीमा नियामक है, और ट्राई क्या है ये आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, संचार दूर संचार नियामक प्राधिकरण है ना ये, तो ये सारे आप देखेंगे अथॉरिटी जो है वो सामने आ जाती है, तो गवर्नेंस जैसे मुद्दे जो है वो सामने आने लगते हैं, तो ये क्या है लेटर 90s की बात मैं बात कर रहा हूं, बोला ये सारी चीजें जो है अगर आ जाए तो ये भी सही हो जाएगा, क्या एनपीएम और अच्छा हो जाएगा, और अच्छा हो जाएगा, और जब इसने बोला कि ये सारी चीजें होनी चाहिए तो बोला कि यही तो पोस्ट एनपीएम है, यही तो नया एनपीएम है, इसमें सुधार मतलब नया एनपीएम, न्यू नियो या पोस्ट एनपीएम, ये अवधारणा कब आई हुई है और इसमें क्या क्या सुधार हुए देख लो, लेटर 90s में हुआ है, अथॉरिटीज कई सारी बन गई, ग्राहक संतुष्टि के लिए आपको अगर परेशान किया जा रहा है, आपका फोन कॉल्स कट जा रहा है तो क्या करेंगे, या कोई दिक्कत हो रही है आपने तुरंत फोन किया, आपका अगर कोई बाजार में कुछ घपलेबाजी हो रही है तो क्या सेबी उसके लिए बैठी है, अगर आपको देखना है यहाँ पे कोई आ, 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 बीमा नियामक इस तरह से अगर कोई दिक्कत कर रहा है तो इसके बाद में क्या एड़ा बैठा हुआ आपकी समस्या को सुनने के लिए, तो बोला ये सारी चीजें भी इसमें शामिल होनी चाहिए। दूसरा क्या किया गया, मेन चेंज क्या किया गया यहाँ पे आप देख लो भाई, लिख रहा है डिसेंट्रलाइजेशन, ये बोलता है थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, फिर से वहीं पे आ रहा है, आ वहीं पे रहा है सेंट्रलाइजेशन पे आ रहा है, लेकिन ये कभी भी राज्यवाद की भूमिका को आगे नहीं लाएगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको, आप अगर ये सोच रहे होंगे कि हमने बताया हुआ था आपको कि सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा हो गया था, अब विकेंद्रीकरण अच्छा हो गया था, ये तो यहाँ पे बोला ठीक है कोई बात नहीं, हमें क्या करना है दोबारा से सेंट्रलाइजेशन करना है, लेकिन वो कौन सा वाला होगा, राज्य की भूमिका कम होनी चाहिए, इसमें बोला राज्य की भूमिका जो है वो ज्यादा नहीं रहेगी, ऐसा सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अब इसमें क्या किया, विद सम चेंजेस, क्या क्या किया गया चेंजेस, अब बोला है कि अगर सेंट्रलाइजेशन करना है तो मेन अथॉरिटी भी होनी चाहिए और उसके जो आगे पीछे चीजें होनी चाहिए वो भी सारी क्या है एक साथ में आनी चाहिए, तो इसने बोला कि विद सम चेंजेस, अब चेंज क्या किया गया, पहले अगर हम बात करें, अगर थोड़ा सा सुन लो कि पहले की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता था, ये सारी संस्थाएं होती थी क्या, ये जो मैं बता रहा हूं जो कि कोऑर्डिनेशन बिठाती हैं, जो कि एक क्या है नीचे स्तर पर काम करती हैं मेन अथॉरिटी से नीचे, तो ये सारी संस्थाएं थी क्या, क्या पहले की बात कर रहे हैं, एनपीएम के पहले की बात कर रहे हैं, जब सेंट्रलाइजेशन था, जब राज्यवाद की भूमिका थी, तब ये सारी चीजें नहीं थी, सब कौन कर रहा था, जो मेन अथॉरिटी है वही सब कुछ देख रही थी, और जो संस्थाएं थी जो कि ग्राहक संतुष्टि के लिए कार्य करती हैं वो बिल्कुल नहीं थी, तो यहाँ पे सम चेंजेस क्या है कुछ चेंज किया गया, और यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन दोबारा से वापस आता है, और वो चेंज क्या किया गया, अब मिनिस्ट्री ऑफ, मान लो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में क्या क्या होना चाहिए,
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में इरडा और सेबी भी को जोड़ दिया गया। क्या किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में सेबी और इरडा को भी जोड़ दिया गया। और अब ये कहा गया कि अब आप ग्राहक संतुष्टि के लिए काम करिए, अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो क्या है, मेन अथॉरिटी बैठी हुई है यहाँ पे, ठीक है, मेन अथॉरिटी बैठी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए, सेंट्रलाइजेशन तो किया गया लेकिन ग्राहक संतुष्टि को भी ध्यान में रखा गया और निजीकरण को भी ध्यान में रखा गया यहाँ पे, ठीक है, निजीकरण को भी ध्यान में रखा गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं सचिन, हाँ हाँ गवर्नमेंट, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्या बोला है, इसके बाद में क्या बोला, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए, हॉरिजेंटल होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए, हॉरिजेंटल। ये बोल रहा है कि भाई कैसा होना चाहिए, हॉरिजेंटल होना चाहिए, मतलब एक ही प्रकार के कार्य के कई संगठनों में कोऑर्डिनेशन होने चाहिए। मतलब अगर कोई एक, कोई मान लो कि सेबी, मान लो सेबी इरडा सारे कैसे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आ जाएंगे, तो ये सारे कैसी हैं, एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कई संगठन हैं और इनके बीच में क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो बोलता कोऑर्डिनेशन आप बनाए रखिए, भले ही सेंट्रलाइजेशन है लेकिन कोऑर्डिनेशन अगर आप जब तक बना रहेगा तब तक सारी चीजें कैसी है, बेहतर होती रहेंगी। और इसके बाद में क्या किया, यहाँ पे लेटरल एंट्री की बात करता है, यहाँ पे लेटरल एंट्री की बात करता है। और इसके बाद में बात करता है यहाँ पे क्या, रिसोर्स मैनेजमेंट न्यू डायमेंशन। रिसोर्स मैनेजमेंट न्यू डायमेंशन क्या है, एक बार देख लो विशा, यहां पे रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करता है, न्यू डायमेंशन बहुत सारे नए आयामों के साथ में। और वो क्या है, यहाँ पे कहता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। कहता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि आपको कुछ ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, ज्यादा खर्च करना पड़ेगा मतलब नए डायमेंशन के साथ में। तो वो कौन से क्षेत्र हो सकते हैं, स्वास्थ्य, पानी की समस्या है, जल की समस्या है, इसके बाद में क्या है, शिक्षा, इस पे आप क्या है थोड़ा सा ज्यादा खर्च करिए। बोला रिसोर्स मैनेजमेंट इसका करिए और कुछ नए आयाम दिए गए यहाँ पे। वो क्या है, बोला कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे कुछ आप ज्यादा खर्च कर सकते हैं और चीजें बेहतर कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे कि स्वास्थ्य का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, आवास की थोड़ी सी आप कह सकते हैं, खाद्य सुरक्षा की बात है, तो वहां पे भी सारी चीजें ये कर सकते हैं। तो बोला अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो इसकी क्या जरूरत है भाई, एनपीएम की क्या जरूरत है, निजीकरण क्यों ज्यादा करना चाह रहे हो, निजीकरण क्यों करना चाह रहे हो। तो बोला कि भाई अगर आप ये सारे कर दिए, आपने ये कर दिए, तो इसी में क्या है, ये हमारे यहाँ की व्यवस्था हो जाएगी, कहाँ पे विकासशील देशों की अवस्था जो है इस तरह की रहेगी। और आप जो बोल रहे थे बार बार कि अगर ये आ गया तो इससे फायदा किसको हुआ है, विकसित देशों के हुआ है, ना कि विकासशील देशों को हुआ है। तो आप इसको हटा दो और इसको ले आओ, भाई ये आप अपने अनुसार कर रहे हो ना, ये विकासशील देशों के लिए कारगर सिद्ध हो रही है, बिल्कुल कारगर सिद्ध हो रही है कि आप कुछ क्षेत्रों में ज्यादा खर्च कर दो, कोऑर्डिनेशन आपका ऐसा हो जो कि सत्ता तो सेंट्रल में रहे लेकिन समन्वय बना रहे। कैसा होना चाहिए समन्वय, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए एकदम से, ठीक है। कुछ ऐसे जो है बीमा नियामक, जो कुछ नियामक प्राधिकरण बना दो जिससे क्या लोग, ग्राहक जो है संतुष्ट हो सके, उनका विश्वास जीता जा सके। तो क्या है, ये लेटर 90s की अवधारणा आई हुई है जिसको हम लोग बोलते हैं नियो एनपीएम, पोस्ट एनपीएम या न्यू एनपीएम बोलते हैं। तो इसमें इसका ये विरोधी तो नहीं है, एनपीएम का विरोधी तो नहीं है, लेकिन इसमें सुधार चाहता है, इसका सुधार करना चाहता है। अब कैसे सुधार कर रहा है देखो, समझो, न्यू एनपीएम और पोस्ट एनपीएम, लेटर 90s और अर्ली अर्ली 90s, ये अर्ली 90s है, ये लेटर 90s है। नवीन लोक प्रबंधन 90 के दशक के प्रारंभ में अति राज्यवाद के विरुद्ध एक विकेंद्रीकृत एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में सामने आता है, ये हमने चर्चा कर ली, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने देखा हुआ था कि 90 के प्रारंभ की बात कर रहे हैं, अर्ली 90s की बात कर रहे हैं, जब अति राज्यवाद था तो उसके विरुद्ध जो है विकेंद्रीकरण लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में सामने आया हुआ था और इसने बाजार की भूमिका को बड़े स्तर पर बढ़ाया भी हुआ था। हमने इस पे सारी चीजें कर ली हुई थी कि बड़े स्तर पर क्या इसने बढ़ाया हुआ था, बाजार की भूमिका था, बढ़ाने का कार्य किया हुआ था, लेकिन भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में एनपीएम बड़े परिप्रेक्ष्य में लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ,
यद्यपि ई गवर्नेंस जैसे विषय पर इसकी भूमिका देखने को मिलती है, और इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर नवीन लोक प्रशासन का उद्भव हुआ, जो नवीन लोक प्रबंधन का विरोधी नहीं है बल्कि एनपीएम में सुधार करने के, उसे परिष्कृत करने के एक साधन के रूप में सामने आया हुआ। तो ये बोल रहा है कि भाई जो पोस्ट एनपीएम आया हुआ है, उत्तर नवीन लोक प्रबंधन जो आया हुआ है, प्रशासन नहीं यहाँ पे प्रबंधन है, ठीक है, जो उद्भव हुआ है, वो कहता है कि भाई हम एनपीएम में इसके विरोधी नहीं है, हम क्या सुधार करना चाहते हैं। और आपने देख लिया हुआ है कि सुधार कैसे किया गया, हमने पढ़ा दिया, आपको बता दिया कैसे सुधार किया गया। अब हम थोड़ा सा और बिंदु देख लेते हैं कि क्या और करना चाहता है, क्या करना चाहता है। कहता है कि हम थोड़ा सा इसमें परिष्कृत करना चाहते हैं, थोड़ा सा क्या है इसको पॉलिश करना चाहते हैं, और इसी वजह से कि एक साधन के रूप में सामने आया। और इसके क्या है, इसके कुछ निम्नांकित बिंदु हैं, हाँ, इस निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर समझा जाना चाहिए क्या क्या है, एक बार समझ लेते हैं। हाँ, सबसे पहला यहाँ पे कहता है कि एनपीएम जो है वो राज्य के आकार को कम करने पर बल देता है, जबकि पोस्ट एनपीएम बाजार को मार्गदर्शन देने, उसे व्यवस्थित करने के लिए विनियामक प्राधिकरण जैसे राज्य के संगठन को बढ़ावा देने पर बल देता है। अब देखो बात यहाँ पे क्या हो रही थी, एनपीएम कह रहा था सीधे तौर पर, एनपीएम जो था वो सीधे तौर पर क्या है, बाजार पर बल दे रहा था, बाजार पर बल दे रहा था और राज्य के आकार को कम कर रहा था। लेकिन चीजें कैसी हो रही थी, बेहतर नहीं हो पा रही थी। क्यों बेहतर नहीं हो पा रही थी, बात हमने आपको पहले बता दी थी, इस वजह से कि भाई हमारे जो नौकरशाही है कैसी है, अभी उतनी सक्षम नहीं है, उतनी सक्षम नहीं है, उसको पैसा मिल जाए तो वो भ्रष्टाचार करने लग जाती है। तो यहाँ पे बोला कि नहीं, मेन अथॉरिटी भी रहनी चाहिए इसमें शामिल, साथ में विनियामक प्राधिकरण होने चाहिए, जैसे हमने बात की हुई थी अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात की हुई थी, और सेबी की बात में हमने इरडा को साथ में लेके देखा हुआ था। तो क्या है, काम सारे कर रहे हैं लेकिन क्या, नियामक प्राधिकरण एक जैसे राज्य के संगठन को बढ़ावा देने के बाद में ऐसा करना चाहिए, वही बोल रहा है यहाँ पे। क्या कह रहा है कि पोस्ट एनपीएम जो है वो हम एनपीएम का विरोधी नहीं है, लेकिन क्या है, बाजार को मार्गदर्शन देने के लिए, जिससे कि जो है कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए, जिससे कि राज्य की जो भूमिका कम ना हो जाए, लोग क्या है असंतुष्ट ना हो जाए, ग्राहक संतुष्ट रहे हमेशा, तो उसके लिए क्या है, कह रहा कि राज्य की भूमिका रहे लेकिन उसके लिए क्या करना है, हमें बाजार को व्यवस्थित करने के लिए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए विनियामक प्राधिकरण, जैसे राज्य के संगठनों को बढ़ावा देने पर बल देना चाहिए, ठीक है। तो इस पे बात करता है, हाँ, ऐसे बात कर सकते हो। और आज कई परियोजनाएं ऐसी चलाई जा रही हैं जिसमें एक से अधिक संगठन भूमिका निभाते हैं, और इसी वजह से इनके बीच समन्वय करने के लिए 36, कैसा है, 36 समन्वय पर बल दिया जाना चाहिए, अर्थात दो संगठनों के बीच जो है अंतर विभागीय समन्वय समिति जैसी संस्थानीकरण होने चाहिए, ठीक है। तो ये बोला कि अगर हमें कई ऐसी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं आज के दर्शक, आप देखेंगे कि जिनको जो है कोऑर्डिनेशन के द्वारा चीजें बेहतर की जा सकती है, तो बोलता है कि भाई इन बिंदुओं को जो है ध्यान में रखा जाना चाहिए, तो कि है एनपीएम में थोड़ा सा सुधार हो जाएगा। वो कौन कह रहा है, नियो एनपीएम कह रहा है। दूसरा कह रहा है, एक और पॉइंट है, कह रहा कि एनपीएम पुनः विकेंद्रीक सॉरी पुनः जो है केंद्रीकरण पर बल देता है। हमने क्या पढ़ा हुआ था कि ठीक है विकेंद्रीकरण अच्छा होता है, काफी ज्यादा क्या है निचले स्तर पर जो लोग होते हैं वो भी अपनी भागीदारी प्रशासन में निभाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा कि एनपीएम जो है वो पुनः विकेंद्रीय और सॉरी पोस्ट एनपीएम, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट, गलत हो रहा है थोड़ा सा, पोस्ट है ठीक है। पोस्ट एनपीएम क्या करता है, पुनः विकेंद्रीकरण पर, पुनः केंद्रीकरण पर बल देता है, जबकि एनपीएम जो है किस पर ध्यान दे रहा था, विकेंद्रीकृत सरकार की बात करता है, किंतु ऐसा केंद्रीकरण सभी संगठनों या विषय वस्तुओं के स्तर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि कुछ सीमित संगठनों के स्तर पर, जहां अधिक संवेदनशील व अनुशासन की आवश्यकता है, वहां पर आप इस पर बल देना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, इसको बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पोस्ट एनपीएम जो है फिर से कहां पे लौट रहा है, केंद्रीकरण पे बल दे रहा है दोबारा से। और हमने मुद्दे आपको बता दिए थे कि स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र है, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र है वहां पे केंद्रीकरण होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कई लोग क्या होता है, अगर हमने आपने निजीकरण कर दिया तो अभी देखो कई सारे ऐसे मुद्दे आप देख लो ना, जैसे कि अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो कई सारे ऐसे होते हैं कि हो सकता है कि गोरख धंधा करने लगते हैं, हाँ
मान लो अगर शिक्षा कुछ उनको जो है दे दिया गया, निजी क्षेत्रों में अगर शिक्षा को दे दिया गया तो हो सकता है कि वो अपना झोली भरने के लिए सब कुछ काम करते रहे, हो सकता है ज्यादा पैसा लाभ कमाने के चक्कर में पड़े रहे। तो बोल रहा है कुछ ऐसे जो संवेदनशील है, जैसे महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जैसा कि हम बच्चों की शिक्षा की बात कर रहे हैं, जैसा कि स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो बोल रहा कि ऐसे अगर कोई संवेदनशील या ऐसे मुद्दे हैं आपके पास में, अगर संवेदनशील कोई मुद्दे हैं तो वहां पे क्या करना चाहिए, हमें केंद्रीकरण कर देना चाहिए और उसके लिए नियामक प्राधिकरण वो जो है देख रेख के लिए वो स्थापित कर देने चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई दोबारा से ये किस पे काम कर रहा है, केंद्रीकरण पे बल दे रहा है, और यहाँ पे एनपीएम में विकेंद्रीकरण सरकार पे बल दिया गया था। पोस्ट एनपीएम स्थानीय स्तर पर भागीदारी तथा आपस में संजाल अथवा नेटवर्क बनाकर संसाधनों के दोहन और भूमिका का संपादन करता है, भूमिका का संपादन करता है। लेकिन हमने देखा हुआ था कि जो एनपीएम था स्थानीय स्तर पर भागीदारी तो कर रहा था, लेकिन कोई ऐसा नेटवर्क नहीं स्थापित कर रहा था जिससे जो है संसाधनों का ठीक प्रकार से दोहन हो सके। ठीक है, तो ये बोलता है कि भाई हमें स्थानीय स्तर पर भागीदारी और आपस में क्या है एक नेटवर्क बनाकर संसाधनों का दोहन करना चाहिए, तो ये इस पे बल देता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारत जैसे विकासशील देशों में एनपीएम कहाँ तक सफल रहा है, तो एक बार देख लो फटाफट कहाँ तक ये सफल रहा है। जब क्लास डेली करेंगे तो आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि एनपीएम भारत में कहां तक सफल रहा है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि कहां तक सफल रहा है। बाजारी शक्तियों में कॉरपोरेट गवर्नेंस बेहतर ना होने, भारत में विनियमन और ऐसे कानून का अभाव जो बाजारी शक्तियों को प्रेरित करता हो, उसका अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो कई ऐसे नियम ऐसे संगठन है जो कि यहाँ पे ठीक से काम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉरपोरेट की जो जो कॉरपोरेट गवर्नेंस है वो बेहतर नहीं है, लोग नैतिक नहीं है, बहुत ज्यादा चोरी करते हैं, क्या थोड़ी थोड़ी चीज के लिए क्या अपना उसमें हिस्सा मांगते हैं, हाँ कई सारी चीजें बेहतर मुहैया नहीं कराई जाती। वही बोला कि भारत में नियम विनियम और ऐसे कानून का अभाव जो बाजारी शक्तियों को प्रेरित करता हो, उसका प्रभाव देखने को यहाँ पर मिलता है। और बोलता है कि इस वजह से बाजार पर निर्भर नवीन लोक प्रबंधन की मान्यता उतनी कारगर भारतीय संदर्भ में सिद्ध नहीं हुई है। क्योंकि हमारे हमने देखा होगा हमारे नौकरशाही अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ कॉरपोरेट जो गवर्नेंस है जो नैतिकता आधार पर जो है नैतिकता के आधार पर जो है जो जो कॉरपोरेट है वो काम नहीं कर पा रहा है, मतलब थोड़ा सा चोरी वोरी करना, मतलब कि कटौती करना, ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो भारत में तो ये सिद्ध नहीं, मतलब भारतीय संदर्भ में ये सिद्ध नहीं हुआ कि लोक प्रबंधन सॉरी नवीन लोक प्रबंधन जो मान्यता है वो कैसी है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, देखो ये सब बोला गया है कि कहाँ तक सिद्ध हुआ है, कहाँ तक सिद्ध हुआ है, कहाँ तक नहीं हुआ है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, अगर पूछा जाए आपके क्या भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में एनपीएम सफल हुआ है, अगर बोलेगा सफल हुआ है बाद में बोलेगा टिप्पणी करिए, तो आप यहां से शुरू कर सकते हैं कि बाजारी शक्तियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेहतर ना होने और भारत में बीएनएम ऐसे कानून का अभाव जो बाजारी शक्तियों को प्रेरित करता हो, उसका अभाव देखने को मिलता है, और इसी वजह से बाजार पर निर्भर जो नवीन लोक प्रबंधन है कि मान्यता उतनी भारतीय परिप्रेक्ष्य में अभी कैसा है कारगर सिद्ध नहीं हुई है, या कह सकते हैं जो भारतीय संदर्भ में सिद्ध नहीं हुई है। ऐसा आप लिखते हुए नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, किंतु ये भी कहता है कि एक विषय वस्तु पर अर्थात डिजिटलाइजेशन पर यह क्या है, डिजिटलाइजेशन पर यह आंदोलनकारी तरीके से सफल हुआ है और इसे हम निम्नांकित साधनों से समझ सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कैसा कि चंडीगढ़ लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के पंजीकरण इत्यादि का कार्य गवर्नेंस और डिजिटल साधनों से आसान बनाया गया। ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से असफल हो गया। देखो डिजिटलाइजेशन में बहुत सारे यहाँ पे चीजें हो रही हैं, डिजिटल साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, वो क्या है चंडीगढ़ का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, या आप दे सकते हैं कि 1997 में चंद्रबाबू नायडू द्वारा स्मार्ट गवर्नेंस की प्रक्रिया में ई सेवा नाम से विद्युत आपूर्ति में सुधार और बिजली बिल की ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई, तो ये बिल्कुल असफल नहीं हुआ। उस टाइम पे भी क्या इसमें प्रयोग काफी ज्यादा किए गए हैं, इस टाइम क्या है काफी ज्यादा उसमें प्रयोग किए गए हैं, और इसके बाद में हम ऐसे करके फिनिश करते हुए इसको, हाँ इसको जो है हम खत्म कर सकते हैं। और आज भी हम देखेंगे, आज हम भीम है, उमंग है, माई गांव है इत्यादि आप लिख सकते हैं, जो भी आप चल रहा है, यूपीआई है, हाँ यूपीआई है, भीम है,
इसके बाद में तमाम सारी चीजें जो है वो करी जा रही हैं। तो बोल रहा है कि आज जो है वो भीम, उमंग, माई गांव इत्यादि कई एप्लीकेशन विकसित किए गए हैं, जिससे नागरिक, ग्राहक और सरकार के बीच सीधे संपर्क और सेवाओं की आपूर्ति की व्यवस्था देखने को मिलती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उपर्युक्त पहलुओं पर सरकार की तरफ से भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में भी यदि बल दिया गया तो उसका क्या है, उसका कारण एनपीएम या के हंगामे और नारे ही है। तो अगर एनपीएम नहीं आता, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हंगामे और नारे नहीं होते एनपीएम के, तो भारत में कैसा डिजिटलाइजेशन जैसी अवधारणा नहीं आती। तो बोल रहा कि भाई कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार ने जो है यहाँ पे उन पहलुओं पर बल नहीं दिया है, पहलुओं पर बल दिया है और उसका मेन कारण क्या है, एनपीएम के हंगामे और नारे ही है कि हमारे यहाँ पे भी डिजिटलाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा प्रभावी रहा। और जिससे प्रभावित होकर ही आप देखेंगे कि 90 के दशक में राव मनोहर सुधार के तहत ना सिर्फ आर्थिक सुधारों पर बल दिया गया बल्कि डिजिटलाइजेशन, डिजिटल साधनों पर अधिक बल दिया गया। और आज डिजिटल इंडिया को यदि सरकार के द्वारा प्राथमिकता दी जाती है तो इसके पीछे क्या है, एनपीएम ही है। तो हम ये कहें कि नियो एनपीएम अच्छा है या खराब है, तो आप बिल्कुल क्या है, सावधानी पूर्वक लिखेंगे कि कैसे कैसे स्टेप बाय लिखेंगे। पहले आप एनपीएम बताएंगे, फिर एनपीएम में क्या क्या सुधार हो सकते हैं जिससे भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में कुछ जो है सुधार की प्रक्रिया स्टार्ट हो सके, फिर इसके बाद में एनपीएम के मुद्दों को देखेंगे कि अगर एनपीएम नहीं होता तो भारत में जो चीजें हुई हैं, जो पहले हो गई हैं, जो बहुत पहले हो चुकी हैं 90 के दशक में, वो हो सकता नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं क्या है, एनपीएम का इसके पीछे हाथ रहा है और इस वजह से एनपीएम को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। भले ही उत्तर एनपीएम आ गया है, नियो एनपीएम आ गया है, लेकिन एनपीएम जो है वो उसकी भूमिका आज भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ऐसे करके आप खत्म करेंगे क्वेश्चन को। चलो समझ में आ गया न्यू एनपीएम किस तरह आलोचना कर रहा है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, तो इसमें और कुछ है, देख लो, कह रहा है कि जिसमें पूरी दुनिया में ग्राहक उन्मुखीकरण के लिए एक आंदोलन खड़ा किया, हमने देखा हुआ था ग्राहक उन्मुखीकरण, सरकार जो है वो आ गई थी, उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, क्वालिटी के आधार पर हम सेवाएं दे रहे थे ना, हमने देखा हुआ था क्वालिटी के आधार पर सेवाएं दे रहे थे हम, वैल्यू फॉर द मनी, वैल्यू फॉर द मनी हम लोग बात कर रहे थे, संसाधनों का अच्छा दोहन कर रहे थे। तो यही बोल रहा है कि ग्राहक उन्मुखीकरण के लिए एक आंदोलन खड़ा किया और इसी वजह से विद्वानों के द्वारा ऐसा माना जाता है कि भले ही विकासशील राष्ट्र में एनपीएम मृतप्राय हो गया हो, मृतप्राय समझ रहे हो कि मतलब दहलीज पे है खत्म होने की, किंतु डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन को इसने दीर्घायु बनाया हुआ है और ई गवर्नेंस का भविष्य जो है उज्जवल करने का कार्य किया हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा हुआ डिजिटाइजेशन कितना ज्यादा हो गया था और आज आज आप देख रहे हैं हर एक के, मुझे लग रहा है कि पूरे भारत में 130 करोड़ जनसंख्या है आज, यहाँ पे हर एक के घर में कम से कम 2-3 मोबाइल तो होंगे, स्मार्टफोन। ठीक है, तो किसका है, वो डिजिटलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन को जो है बहुत ज्यादा मजबूत किया हुआ है इसने, ई गवर्नेंस के भविष्य को क्या उज्जवल किया हुआ है। और आज क्या है, आज या अगली जनरेशन जो आएंगे, आप देखेंगे कि ई गवर्नेंस बहुत क्या है, बड़ा रोल निभाने वाला है। आप किसी भी सभ्यता को देखें, जो भी सभ्यताएं अब पनपेंगी, तो वो किसका हाथ रहेगा इसमें, एनपीएम का हाथ रहेगा, क्योंकि उसने ई गवर्नेंस के भविष्य को क्या है, उज्जवल करने का कार्य किया हुआ है। तो जितने भी जनरेशन आएंगी सब में ई गवर्नेंस हावी होने वाला है। अभी कल मोदी जी जो है भाषण दे रहे थे, आपने सुना होगा, नहीं आप लोग देखते हैं नहीं देखते हैं, अभी मैं आपको पढ़ाता भी, इसके बाद भाषण भी सुनता हूँ जाके कि क्या क्या बोला गया, आप भी सुना करो। सॉरी, वो हमारे वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति जी बोल रहे थे, उपराष्ट्रपति जी बोल रहे हैं, हाँ सॉरी मैं गलत बोल गया, उपराष्ट्रपति जी कल वक्तव्य दे रहे थे कि जब उनकी पुण्य जयंती थी, तिथि थी किनकी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो वो बोल रहे थे, भाषण दे रहे कि आज के दौर में ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया पे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए और जो वर्चुअल तरीके से चीजें हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस COVID-19 की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो अपनी स्कूलिंग पूरी नहीं कर पाए हैं, बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज में थे उन्होंने अपना एग्जाम नहीं दे पाया, पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आज वो किस पे जोर दे रहे हैं, डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन पे ही जोर दे रहे थे। कल आप उनका भाषण सुनेंगे जाके सब लोग, किसके लिए महत्वपूर्ण है ये, डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए महत्वपूर्ण है। वो तो कल ऐसी बातें कर रहे थे, तो क्या है उनका, वो बोल रहे हैं कि भविष्य ही यही है, डिजिटल इंडिया जो है, आगे अगर आप वर्चुअल तरीके सारी चीजें करना चाहते हैं
तो क्या है, आपको डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इस पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे जाकर थोड़ा सा भाषण कल का, राज्यसभा टीवी में आता है, ठीक है? राज्यसभा टीवी देखा करें कभी कभी आप लोग, बहुत अच्छा देता है, ठीक है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि ई गवर्नेंस का जो भविष्य वो उज्जवल करने का कार्य किया हुआ। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट देख लेते हैं, ठीक है? कुछ कुछ ऐसे करके, क्या हम ऐसा मानते हैं कि उत्तर नवीन लोक प्रबंधन और उत्तर आधुनिक लोक प्रशासन आज की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अत्यधिक प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है? तो आप क्या करेंगे, वही जो हमने बताया हुआ था एनपीएम में, बोलेगा क्या एनपीएम में सुधार वाली अवधारणा जो लिख देंगे फटाफट आप, हमने क्या बताया हुआ था, ये देखो यहाँ पे अगर आपको देखना भी है तो ये देखो, ये आप लिखना, यही बोल रहा है कि अब बहुत महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है, किसके लिए, विकासशील राष्ट्रों के लिए है, यही आप देख लेंगे। आप लिखेंगे एनपीएम ऐसा था वैसा था, ये सारी चीजें थी, लेकिन फिर पोस्ट एनपीएम आया, फिर इसके बाद में क्या है, पोस्ट एनपीएम आया उसने ये सारे कार्य किए हैं और इसी वजह से ये प्रासंगिक है और महत्वपूर्ण है, तो ये सारी चीजें आप क्या है लिखेंगे फटाफट, ठीक है? ये सारी चीजें आप लिखेंगे, तो पहला क्वेश्चन कर लेंगे, पहला क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, पहला क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। कोई जवाब भी दो, पहला क्वेश्चन कौन कौन जुड़ा हुआ है, पहला क्वेश्चन कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको लिखना है आपको, बहुत सारे क्वेश्चन है हमने दे रखे हुए हैं, सारे क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है? चलो दूसरा देखो, कोई तो प्रासंगिक कैसे, दूसरा प्रश्न देखो यहाँ पे कह रहा है, ऐसा कहते हैं कि सॉरी यहाँ पर राजवाद नहीं है, हाँ ऐसे जवाब दो भाई, क्योंकि मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ इस समय, मैंने बोला हुआ था पढ़ा लेंगे ना, इसके बाद मैं रूबरू होऊंगा आप लोगों से पूछूंगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अनीता रानी नमस्ते, अब तो क्लास भी खत्म हो गई, लाइव क्लास में जुड़ो, थोड़ी चीजें समझ में आएंगी आपको। देखो यहाँ पे कह रहा है दूसरा क्वेश्चन देखो, ऐसा कहते हैं कि राज्यवाद कभी मर नहीं सकता, यदि एनपीएम में सॉरी यदि एनपीएम ने उसके आकार को कम या छोटा किया फिर भी पोस्ट एंड सॉरी यहाँ पे क्या क्या लिख रहा है, देखो गलत टाइप हुआ है, पोस्ट एनपीएम, अब देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को, कह रहा ऐसा कहते हैं कि राज्यवाद कभी मर नहीं सकता है और यदि एनपीएम ने उसके आकार को कम या छोटा किया फिर भी पोस्ट एमपीएम ने राज्य को पुनर्जीवित किया है, आपको क्या लिखना है, वही बस वहीं पे पहुंचो तुरंत, कहां पे, यहां पे यही लिखना है कि इसने देखो क्या किया है, सेंट्रलाइजेशन किया है, कभी भी राज्य मर नहीं सकता है, राज्य का राज्यवाद कभी मर नहीं सकता है, फिर भी इसने क्या किया है सेंट्रलाइजेशन किया। आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो दूसरा क्वेश्चन भी आप समझ गए, क्या लिखना है आपको आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद में कह रहा है कि नवीन लोक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, क्या आप ऐसा मानते हैं कि नव टेलरवाद और लोक चयन उपागम ने इसे आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिकाओं का संपादन किया हुआ है, टिप्पणी करें। तो नव टेलरवाद क्या है, कुछ चीजों में सुधार किया गया, जैसे ई गवर्नेंस लाया गया, ठीक है, डिजिटलाइजेशन किया गया है, तो नव लोक प्रबंधन को आप बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे, क्या क्या किया गया है, रोल बैक ऑफ स्टेट, क्या क्या किया गया है, क्या क्या किया गया है, देखो अर्ली 90s में आया है रोल बैक ऑफ स्टेट, डिसेंट्रलाइजेशन, मल्टी हेडेड ऑर्गेनाइजेशन की अवधारणा, रिसोर्स मैनेजमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केट फोर्सेस, मार्केट पे ज्यादा बल दिया गया है, कस्टमर ओरिएंटेड है, ग्राहक उन्मुखीकरण पर जोर दिया गया है, ये सारी चीजें आप लिखेंगे इसमें, कौन से वाले क्वेश्चन में, एक किसको लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे कि नवीन लोक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, क्या आप ऐसा मानते हैं कि नव टेलरवाद और लोक चयन उपागम ने इसे आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिकाओं का संपादन किया है, ठीक है, इसको कर सकते हैं आप आराम से। तो लोक चयन उपागम भी आप लिखेंगे, हमने पढ़ाया है आपको, नव टेलरवाद की अवधारणा को अब मैं अभी थोड़ा सा बता दूंगा आपको, तो इस क्वेश्चन को भी आप क्या करें आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं है, हाँ कि ना लिख सकते हैं, मुझे लग रहा है हाँ कि ना लिख सकते हैं। चलो दूसरा इसी में यही है, दूसरा जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है, इसको हम लोग या करके लिखेंगे, क्या या करके, ये वाला जो है या दूसरा वही क्वेश्चन कह रहा कि
नवटेलरवाद ने आंतरिक संरचनात्मक सुधार पर बल दिया है, जबकि लोक चयन उपागम ने संगठन के बाहर सुधार करने पर बल दिया है। टिप्पणी करें। तो आप लोग क्या करना, नवटेलरवाद और इसके बाद में क्या करना है आपको, पब्लिक चॉइस अप्रोच को भी साथ में लिखना है, और उसमें क्या क्या अंतर है वो आपको लिखना पड़ेगा इसके बाद। ठीक है, इसको क्या आपको लिखना पड़ेगा इसके बाद में। देखो नया क्वेश्चन है, कह रहा कि परंपरागत लोक प्रबंधन की तुलना में नवीन लोक प्रबंधन किन अर्थों में नवाचारी विवरणों को प्रस्तुत करता है, सो उदाहरण वर्णन करे। इसको लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ कि ना, लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कि परंपरागत लोक प्रबंधन की तुलना में नवीन लोक प्रबंधन किन अर्थों में नवाचारी विवरणों को प्रस्तुत करता है, इसको आप लिख सकते हैं आसानी से। फिर वहीं पे आप जाएंगे कहाँ पे, एनपीएम और नियो एनपीएम, कहाँ पे जाएंगे आप, एनपीएम वर्सेस नियो एनपीएम, ठीक है, ये लिखेंगे इसमें। ओके नेक्स्ट देखो, क्या करा है कि रिगो आंदोलन ने राष्ट्रीय सरकारों का घमंड ही चूर चूर कर दिया और राज्यवाद के दिन को क्या है, विस्थापित कर दिया। राज्यवाद के दिन कैसे, मतलब जो भर आए नहीं से बोलते, अब दिन भर आए हैं तुम्हारे, तो वही बोला है कि जब रिगो आंदोलन आया हुआ था तो उसने जो है सरकारी राष्ट्रीय सरकारों को घमंड को चूर चूर कर दिया गया था। ऐसे क्वेश्चन आपके पास में आते हैं कहावतों के हिसाब से, कि रिगो आंदोलन ने राष्ट्रीय सरकारों को घमंड चूर चूर कर दिया और राज्यवाद के दिन को विस्थापित कर दिया, मतलब उसके दिन भर आए थे, ऐसा हो गया था, मतलब अब दिन आपके भर आए, अब आप जाने वाले हैं, तो आप रिगो आंदोलन लिखेंगे और उसमें देखेंगे कि राज्यवाद की भूमिका को किस तरह से उसने विस्थापित किया हुआ है, किस तरह से कम किया हुआ है। ठीक है, तो रिगो आंदोलन हमने पढ़ाया हुआ है, आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे मुद्दे हैं एनपीएम और नियो एनपीएम पोस्ट एनपीएम की हमने चर्चा कर ली हुई है। अब इसमें आप लोग लिखेंगे, हमने हमने बोला हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप भी बता रखा हुआ है, कौन सा है टेलीग्राम ग्रुप हमारे पास में, अकेडमी अंडर स्कोर, और 10% इसमें डिस्काउंट पाएंगे। जो लोग नए जुड़ रहे हैं भाई इसको सब्सक्राइब करो, मैं पूरा क्लास कराने वाला हूँ, नहीं तो बीच में लॉक हो जाएगी क्लास आपकी। ठीक है, क्लास जो है बीच में लॉक हो जाएगी, इसको सब्सक्राइब करें, मेरा कोर्स लें, और इसके लिए क्या हमने 22% छूट दे रखी हुई है, 22% हमने छूट दे रखी, इसमें तो 10% ही दिख रहा है, इसमें जो है 10% ही दिख रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे मतलब समझ लो, जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो थोड़ा सा देख लो एक बार, क्योंकि फिर क्लासेस छूटेंगी, मुझसे मत बोलना। बात क्या है यहाँ पे देखो, ये है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपका, ये है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, क्या कह रहा है यहाँ पे, उथल पुथल, यहाँ पे देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये देखो 27,500 आपकी फीस इसमें है, मैं पूरा कराने वाला, इस वजह से साफ साफ सुन लेना, नहीं तो बीच में लॉक हो जाएगा और फिर आपका फ्लो बदल जाएगा, चीजें बेहतर हो नहीं पाएंगी। कोड है AMR10, ठीक है, 27,000 इसकी फीस है, जब मेरा कोड यूज कर लेंगे तो आपको 24,750 में मिल जाएगी, और इसी कोड पे मैं अभी 31 दिसंबर तक आप लोगों को 12% का कैश में रिफंड कर रहा हूं, तो 19,000 में पड़ रहा है ये, जो कि एक्चुअल फीस से बहुत कम है। तो आप फटाफट क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, 31 दिसंबर तक ही है, इसके बाद में ये आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 12% वाला हिसाब है जो मैं रिफंड करता हूं वो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके जो है फीस हो सकता है बढ़ जाए, तो आपको 24,700 में फिर मिलेगा, बस मेरा कोड आप यूज करेंगे तो ही 10% का आपको छूट मिलेगी। जो लोग अभी है वो क्या कर सकते हैं, वो अगर लेना चाहते हैं तो 10% मुझसे एडमिशन के बाद में एक्चुअल फीस पे रिफंड लेंगे, और इसके बाद में इससे पहले मेरा कोड आप यूज ही कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 24,700 में ये मिल जाएगा, और इस पे मैं आपको 10-12% रिफंड कर दूंगा, तो लगभग 19,000 पे आपको मिल जाएगा ये। ये अभी का ही है, 31 दिसंबर तक मैंने कर रखा हुआ है, फिर जो 12% रिफंड वाला हिसाब क्या है वो तो खत्म हो जाएगा, ये आपका चलता रहेगा, तो आप देख लेंगे सारी चीजें। ठीक है, चलो अब हम थोड़े क्या, अभी कोई जाएगा नहीं, अभी हम प्रशासनिक चिंतन की बात करने वाले, थोड़ी सी रूपरेखा बनाएंगे, कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो पहले फटाफट प्रशासनिक चिंतन टेलर को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, परखेंगे उनको, इसके बाद में हम लोग इसके बाद में हम क्लास को बाइंड करेंगे। पहले आप थोड़ा सा समझ लें क्या क्या हमें पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, यहां से शुरू कर लेते हैं, ये खाली पेज है।
अब यूनिट हम लोग दूसरी शुरू करने वाले हैं। पहली यूनिट हमारी क्या है, यूनिट वन जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट दो पे हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिद्धांत है, क्या है, प्रशासनिक चिंतन, ठीक है, प्रशासनिक चिंतन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिद्धांत, ठीक है। और सिद्धांत में क्या रहेंगे, ये आपके पास में पीडीएफ मिलेगी इस तरह की। सिद्धांत में सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिकल फिर इसके बाद में मानव, इस तरह हमें पढ़ना मानव संबंध उपागम, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद, ठीक है। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, व्यवस्था उपागम, ठीक है। और इसके बाद में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आकस्मिकता, आकस्मिकता उपागम, ठीक है। इस तरह से हमें पढ़ना है। और दूसरी बात क्या है, इसके क्लासिकल में क्या आ गया, क्लासिकल में आप क्या पढ़ेंगे, क्लासिकल में कितना है, उसका फेज क्या रहेगा, 80 से 1920, 1930, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, टेलर, टेलर, ठीक है, यूएसए। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, फेओल, हेनरी फेओल, ऐसे डिवाइड करके पढ़ना है, वो नहीं एकदम हवा हवाई नहीं काम करना है, सब एक साथ में पढ़ लो। अलग अलग फेज है, सब में अलग अलग आपको आलोचना भी करने को मिलेगी, क्या है ये इनकी आलोचना करना है, इस तरह मैंने डिवाइड किया हुआ है, इस तरह से पढ़ना है। इसके बाद में क्या है, यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, अगर लिख दूँ क्या, इसके बाद में क्या है, बुलिक उर्वेक, बुलिक वा उर्विक, ठीक है। और इसके बाद में और क्या है, यहाँ पे ठीक है, मैक्स वेबर, ठीक है, समझ गए। तो हमें क्या पढ़ना है, सिद्धांत में ये 1880 से लेकर 1920 क्लासिकल सिद्धांत यहाँ पे मिलेंगे हमको, क्लासिकल सिद्धांत मिलेंगे। इसमें टेलर, हेनरी फ्योल, गुलिक उर्विक और मैक्स वेबर हमने पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, एल्टन मेयो को पढ़ना है। और इसके बाद में यहाँ पे और व्यवहारवादी उपागम में हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, ये कब है, व्यवहारवादी उपागम खूब आलोचना जब हुई थी। अब देखो ना यहाँ पे क्या, संकट का दौर आता है, संकट कैसे दौर आता है, जब यहाँ पे बर्नार्ड आते हैं, यहाँ पे बर्नार्ड आते हैं और साइमन आते हैं तो खूब आलोचना करते हैं, हमने पढ़ाया हुआ आपको जब हम फेज डिवाइड कर रहे थे। तो ये व्यवहारवादी उपागम कौन लाता है, यहाँ पे बर्नार्ड आते हैं। तो ये दौर कौन सा है, 1930 का है और 1940 के बीच का दशक, 1940 का दशक, 1930 से 40 का दशक, क्यों, क्योंकि भाई 1948 में आते हैं ये कौन कौन, बर्नार्ड आते हैं और बर्नार्ड आते हैं और यहाँ पे साइमन आते हैं, हार्वर्ड साइमन आते हैं। हाँ, ये क्या करते हैं, खूब आलोचना करते हैं, खूब आलोचना करते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रशासन में, लोक प्रशासन में। तो यहाँ पे क्या है, फिर बहुत ज्यादा जो है इसका संकट का काल आ जाता है, कौन सा, ये संकटकालीन। तो यहाँ पे व्यवहारवादी का मतलब व्यवहारिक नहीं, क्या बोलते हैं, व्यवहारिक नहीं है भाई, क्या बोलते हैं, व्यवहारिक नहीं है। जब आपने लोक प्रशासन बनाया तो क्या बोलते हैं कि जब आपने लोक प्रशासन बनाया तो कहाँ पे था, वो भाई विकसित देशों के लिए बनाया था। अब ये वाला विकसित देशों वाला लोक प्रशासन विकासशील देशों में व्यवहारिक है ही नहीं। तो ये क्या करते हैं, बर्नार्ड और साइमन जो है वो बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं। और ये कौन सा दौर है, ये लोक प्रशासन के संकट का दौर है, 1948 से 1970 के बीच का काल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, बर्नार्ड जैसे विद्वान आएंगे और हर्बर्ट साइमन जैसे विद्वान आएंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करें
40 में, 40 के बाद में आप कई सारे फिर आप देख लेंगे, यहाँ पे अर्गरिस भी आ जाएंगे, क्रिस अर्गरिस भी आ जाएंगे, इसके बाद में इसके बाद में और एक और आते हैं विद्वान, उनका नाम क्या है, नाम देखो मुझे याद नहीं आ रहा, यहाँ पे कई सारे विद्वान फिर एक साथ में आ जाएंगे, ठीक है, क्रिस अर्गरिस जैसे विद्वान जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और वो जो है कई सारी अवधारणाओं को यहाँ पे, तो यहाँ पे व्यवस्था उपागम, फिर इसके बाद में आकस्मिकता उपागम की बात करेंगे हम लोग, तो इस तरह से डिवाइड है, तो यहाँ पे सिद्धांत है, तो इस तरह से हमको पढ़ना है, ठीक है, क्लासिकल सिद्धांत कल हम टेलर को पढ़ेंगे, फिर हेनरी फ्योल को पढ़ेंगे, गुलिक और उर्विक और मैक्स वेबर को पढ़ते हुए हम लोग फिनिश करेंगे, तो सब लोग इसको खूब ज्यादा शेयर करिए, ऐसा एकदम बता दूंगा कि भाई ये आप बिल्कुल से भूलेंगे नहीं, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं जाके, ठीक है, तो ये सारे मुद्दे आपको देखने पड़े, ऐसे पढ़ना है। यहाँ पे और आएंगे मैरी पार्कर फॉलेट भी आएंगे, फॉलेट भी कहती है, फॉलेट भी यहाँ पे आ जाएंगे, मैरी पार्कर फॉलेट भी आ जाएंगे यहाँ पे, तो इस तरह से ये जो है आपको पढ़ना है, मिस अर्गरिस हैं यहाँ पे आ जाएंगे आपके, तो ऐसे पढ़ना आप लोगों को, तो हम लोग कल करेंगे, और इसको खूब लाइक करिए, शेयर करिए, कल हम लोग टेलर को देखेंगे, कल शाम में टेलर देखेंगे किस तरह से उन्हें मानसिक क्रांति की संकल्पना दी है, किस तरह से उन्होंने जो चार सिद्धांत दिए हैं, सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन, विशेषीकरण पर बल दिया है, कार्यात्मक फोरमैनशिप की उन्होंने बात की हुई है, मजदूरी दर प्रणाली, मजदूरी दर में सुधार, विभेदीकरण की अवधारणा, विशेषीकरण की अवधारणा, सब कल हम लोग टेलर के माध्यम से जानने वाले हैं, और किस तरह से उन्होंने मशीनीकरण किया है, और क्या है मनुष्य को कैसा समझाए मशीन की तरह यूज करने की बात की हुई है, तो यहाँ पे हम लोग उनका यांत्रिक या वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत कल शुरू करेंगे, तो सब लोग आएंगे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, फटाफट सब्सक्राइब भी कर लो इसको, और लाइक करते रहो, खूब शेयर करते रहो, हमने एक यूनिट पढ़ ली हुई है, दूसरी यूनिट हम लोग चल रहे हैं, थोड़ी लंबी यूनिट है, तो कोड क्या है मेरा AMR10, सारा का सारा मेरा पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों इसमें करने वाला हूँ, तो फलो क्या है 19 से 20 हजार में आपको मिल रहा है ये एक साल के लिए, मैंने बता दिया आपको गणित बता दी, जो लोग नए लोग जुड़े हुए हैं किस तरह से मिल रहा है, क्योंकि मैं 12% आपको रिफंड कर रहा हूँ और 10% मेरे कोड से ही मिल जा रहा है आपको डिस्काउंट, तो लगभग 19 से 20 हजार में आपको मिल जा रहा है, तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं unacademy_amitkapoor, यहां से आप मेरा टेलीग्राम लिंक पे इसको आप ऐड आ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, इसकी मैं PDF सेंड कर दूंगा आज, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे फटाफट unacademy_amitkapoor पे आ जाएंगे, आज शाम में इसकी PDF मिल जाएगी आपको, आज शाम में या कल तक, चलो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ में, और कल जो है हम लोग टेलर को करेंगे, ओके गुड नाइट, नमस्कार।